सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, जब भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं और बुक करने के टाइम हम लोग सीट अवेलेबिलिटी यानी ट्रेन पे क्लिक करते हैं और कितने सीट का कोटा है उस पर क्लिक करते हैं, तो सीट यहाँ पे शो नहीं करता है और वहाँ पे रिफ्रेश होने लगता है 20 सेकेंड 25 सेकेंड, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि इजिली हम लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सके, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर बढ़ने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको लॉगिन करना है 1 मिनट पहले, यदि AC टिकट बुक करते हैं या फिर स्लीपर टिकट बुक करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को फॉर्म स्टेशन 2 स्टेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको AC टिकट बुक करते हैं या फिर स्लीपर टिकट बुक करते हैं, तो आप मान लो कि स्लीपर टिकट बुक करना है, 11:03 से 4 सेकंड में सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं, इस रूट में जितने भी ट्रेन होता है ट्रेन आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है उस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे उस पर रिफ्रेश करते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रेन में जितने सीट का अवेलेबिलिटी होती है वो आपको शो नहीं करता है। यहीं पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसा क्यों आता है काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे हैं, क्या इसका कोई ऐसा समाधान है जिससे कि हम बुक करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आए। जो प्रॉब्लम क्यों आता है, मैंने इसके बारे में कस्टमर केयर से भी बात किया और कंप्लेन भी किया, इसके बाद हमें पता चला उन लोगों का ये कहना है कि IRCTC के सर्वर पर एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, इसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम आता रहता है। तो आप लोगों को सिंपल करना कुछ नहीं है, 2 से 3 बार जैसे ही रिफ्रेश मारेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर सीट अवेलेबिलिटी दिखा देगा।